हाल ही में दिग्रस शहर के एडवोकेट साजिद वर्षानी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक सेल उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त कर लिया गया है। उनकी नियुक्ति से उनके प्रशंसकों और समर्थकों में खुशी का माहौल है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। हाल ही में दिग्रस के जाने माने एडवोकेट साजिद वर्षानी ने राष्ट्रवादी पार्टी के सर्वे सर्वा और राज्य के वित्त मंत्री अजीत दादा पवार की प्रमुख उपस्थिति में पार्टी में अधिकृत प्रवेश कर लिया है। मुंबई में संपन्न हुए इस पक्ष प्रवेश के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सुनील तटकरे भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि राष्ट्रवादी पार्टी ने पक्ष प्रवेश के साथ ही उन्हें राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक सेल उपाध्यक्ष पद का नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया है। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इदरीस भाई नाइकवाड़े, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वसंतराव घुईखेड़कर, पुसद के विधायक इंद्रनील नाइक, जिला अध्यक्ष बाला साहब कामरकर पाटिल, तहसील अध्यक्ष लाल सिंह राठौड़, शहर अध्यक्ष साबिर भाई भी मौजूद थे। एडवोकेट साजिद वर्षानी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक सेल उपाध्यक्ष पद सौंप कर उन्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी इस नियुक्ति से उन्हें परिचितों, परिजनों और प्रशंसकों से ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो रही है। शहर का युवा तो उनकी इस उपलब्धि से खासा प्रभावित नजर आ रहा है। यही वजह है कि उनके घर पर उनके प्रशंसक उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। गुरुवार को उनके मकान पर पहुंचकर शहर के युवाओं ने उनका पुष्पहारों और गुलदस्तों से सत्कार किया और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का भी इजहार किया। गौरतलब है कि आजकल आमतौर पर और खास तौर से राजनीति के क्षेत्र में कई लोग अक्सर अपनी छोटी से छोटी उपलब्धि का ढिंढोरा पीटने और अपनी उपलब्धि को भुनाने में लगे रहते हैं। कई लोग तो गैर जरूरी तरीके से शहर के चप्पे चप्पे पर ऊंचे ऊंचे होर्डिंग्स और बैनर छपवा कर अपनी कथित प्रभाव और कथित व्यक्तित्व के प्रदर्शन से बाज नहीं आते। इस बात के मद्देनजर बात अगर एडवोकेट साजिद वर्षानी के राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक सेल उपाध्यक्ष पद की जाए तो दिग्रस के लिए उनकी ये नियुक्ति निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि है। और खास बात यह भी है कि ऐसे में जब उनके शुभचिंतकों और प्रशंसकों ने उनकी इस नियुक्ति पर शहर के चौक चौराहों पर शुभकामनाओं के फ्लेक्स लगाने की बात सामने रखी, तब एडवोकेट साजिद वर्षानी ने उन्हें प्यार से मना करते हुए अपनी सादगी का परिचय दिया। गौरतलब है कि उनके इस सादगी भरे इशारे में न सिर्फ उनके जिम्मेदार व्यक्तित्व और परिपक्वता की झलक थी, बल्कि उनका यह इशारा अपने नाम और पद का ढिंढोरा पीटने से ज्यादा अपने कार्य के प्रति अपनी निष्ठा और जिम्मेदारी के निर्वहन की गंभीरता को दर्शा रहा था। फिलहाल एडवोकेट साजिद वर्षानी की राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल उपाध्यक्ष पद पर की गई नियुक्ति न सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, बल्कि शहर के साथ ही जिले भर में उनकी इस उपलब्धि का पुरजोर तरीके से स्वागत किया जा रहा है। एनबीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट। Glanza, go hatchin', go awesome.